सरदारपुर तहसील के ग्राम लेट गांव में दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर गाय गोहरी का पर्व मनाया गया। यहां पर गाय गोहरी पर्व को देखने के लिए आसपास के कई गांव के हजारों लोग गाय गोहरी पर्व को देखने के लिए आते हैं। वहीं मन्नतधारी गाय के नीचे लेटकर अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। इस दिन गायों को विशेष रूप से सजाया जाता है। गाय गोहरी के पहले आतिशबाजी की जाती है। इस दौरान पशुपालक अपने अपने मवेशियों का श्रृंगार कर कार्यक्रम स्थल पर आए। यहाँ मन्नतधारी जमीन पर ऊंधे मुंह लेटते हैं। उनके ऊपर से मवेशी एक छोर से दूसरे छोर की ओर निकले, जिसे ये लोग अपने आप के लिए शुभ मानते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गाय गोरी शुरू से परंपरा से मन्नत मांगते भी है, शुरू से परंपरा आगे से चलती आ रही है। हम भी उसे आगे चलाते जा रहे हैं, जब तक चलेगा जब तक चलाएंगे हम भी। और इसके बाद में आप जो गाय गोरी गिरे, आपको कोई गाय गोरी क्यों मनाई जाती है? सर, हम परंपरा से मना रहे हैं गाय गोरी, और हमारे पूर्व जन्मों से चल रही है गाय गोरी, और हम धूमधाम से अच्छे गायना को सजाते हैं और फिर गोरी पढ़ते हैं सब। हम गायना के नीचे पढ़ते हैं, गायना ऊपर निकलती है हमारी, और अच्छे स्वागत होती है हमारी पूर्व जन्म से। सालम साल से पूर्व जन्म से चल रही है सर। और क्या क्या विशेष होता है इसमें? हमारी जो भी मन्नत है वो पूरी होती है, और जो मंगत मांगते हैं वो भी पूर्ण होती है, और सुख शांति अच्छी रहती है, और व्यवस्था अच्छी हमारी गांव के कर देते तो अच्छे रहता। और भी क्या नाम है आपका? नारायण। मेरी तरफ से आज सभी करनाल वासियों को, प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवाली का त्यौहार सभी के लिए खुशियां लेकर आए। इसी के साथ सबको, सारे प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से व अपनी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएँ देता हूँ। और एक ईमानदार दोबारा मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनने जो जा रही है हरियाणा में, उसके लिए भी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये हमारे हरियाणा के जो सीएम हैं, जो बनने जा रहे हैं, आज तक इनके जैसा ईमानदार सीएम ना पहले कभी आया है, और ना मैं समझता हूं कभी आएगा। सभी प्रदेशवासियों को दोबारा सीएम साहब के शपथ समारोह पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जगजीत सिंह अरोड़ा सभी करनाल वासियों को व प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दिवाली सभी के लिए मंगलमय हो, शुभकामना ये दिवाली सबके लिए शुभकारी हो और अच्छे से अच्छे कार्य हों। और मैं एक बार पुनः सभी को दिवाली की व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी जगजीत सिंह अरोड़ा की ओर से सभी प्रदेश वासियों और जिले की जनता को प्रकाश दिवस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी जगजीत सिंह अरोड़ा तथा समाज सेवी यादविंदर सिंह अरोड़ा एवं परमजीत अरोड़ा वाहेगुरु से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों और जिले वासियों को एक बार फिर से आप सबको हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह अरोड़ा के परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।